आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंचन चौधरी भट्टाचार्य, भारत की फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो आज हम इंडियन पुलिस की बात करेंगे, इंडियन पुलिस सर्विस की भी बात होगी। तो दोस्तों कंचन चौधरी भट्टाचार्य का पिछले ही महीने 26 अक्टूबर को निधन हो गया। 72 साल की थी ये, और क्या जबरदस्त इनका करियर रहा है। आपने दूरदर्शन पे एक सीरियल देखा होगा उड़ान, 30 एपिसोड का वो सीरियल था। कंचन भट्टाचार्य की जो बहन थी कविता, उन्होंने उस सीरियल को डायरेक्ट किया था और लीड रोल भी किया था, और वो जो सीरियल था वो कंचन चौधरी भट्टाचार्य के ऊपर था। दोस्तों जबरदस्त करियर रहा है, तो आज हम इनकी बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चलिए पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों स्टडी आईक्यू का प्रीमियम कंटेंट आप जरूर ज्वाइन करिए, ओनली फॉर ₹159। 12,000 से ज्यादा वीडियोस फ्री हैं आपके लिए, लेकिन कुछ कंटेंट आप प्रीमियम रहेगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करने में बिल्कुल भी मत सोचिए। डॉक्टर गौरव गर्ग सर के डेली करेंट अफेयर्स, मंथली बैंकिंग अवेयरनेस, मंथली बेस्ट 200 करेंट अफेयर्स, और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। प्रशांत सर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स एंड आई आर इशूज, महिपाल सर के मिनिमम 5 प्रीमियम वीडियोस। आपने देखा होगा जैसे ही आप चैनल खोलेंगे सब्सक्राइबर, अगर आप सब्सक्राइबर है बहुत अच्छी बात है, बगल में ज्वाइन का बटन होगा, क्लिक करिए, एक इंटरफेस खुलेगा, अपना कार्ड नंबर डालिए, फॉर्मेलिटीज पूरी करिए, ₹159 पे करिए। वीजा और मास्टर कार्ड को एक्सेप्ट किया जा रहा है, पेटीएम और गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरी बायोग्राफीज की पीडीएफ चाहते हैं तो आप biographyiq.com जरूर विजिट करिए। दोस्तों यहां पे जो मैंने 500 से ज्यादा लेक्चर कवर किए हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वैसे तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य पे कोई किताब नहीं लिखी गई है, ना ही कोई इन्होंने इंटरव्यू दिया है। हाँ, आम आदमी पार्टी से जब अभी इन्होंने चुनाव लड़े थे तो काफी इन्होंने बात की थी, लेकिन वो सोशल इश्यूज पे की थी। तो इनका जीवन कैसा रहा, इन्होंने क्या स्ट्रगल किया, वो इतना हमको नहीं पता, ठीक है, इतना डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज तो पता है, इनका जो करियर था वो कमाल था। इनसे पूछा जाता था कि एक सख्त पुलिस ऑफिसर बनना सही है क्या, आपके हिसाब से पुलिस ऑफिसर की बड़ी सख्त इमेज है। तो यहां पे कंचन चौधरी ने रिप्लाई किया, कंचन मैम ने रिप्लाई किया कि सख्त नहीं, सख्त से काम नहीं चलता है, यहां पे संवेदना होनी चाहिए, इंसान को काइंड होना चाहिए। और भैया ये लोगों के सामने डांट देती थी पुलिस वालों को, तहजीब नहीं है क्या आपको, कैसे बात कर रहे हैं। जब भी कोई पुलिस वाला रूडली बात करता था। आपने फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर का नाम सुना होगा, कौन है वो, किरण बेदी। मैंने उनकी बायोग्राफी रिव्यू की है, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर इंडियन पुलिस सर्विस। आपको पता ही है यूपीएससी के थ्रू आप आईपीएस बनते हैं, हालांकि स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं, सिर्फ यूपीएससी के थ्रू ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी में जो टॉप 100 रैंकर्स होते हैं वो आईएएस बनते हैं, उसके बाद आईपीएस। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अक्सर मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर आईएएस अच्छा होता है कि आईपीएस अच्छा होता है, या डिफरेंस क्या है आईएएस और आईपीएस में। देखिए दोस्तों दोनों अच्छे होते हैं और दोनों की पोजीशन ही भी एक होती है, याद रखिएगा। ये आप मत समझिएगा कि कोई आईएएस आईपीएस से बड़ा होता है या कोई आईपीएस आईएएस से बड़ा होता है, वो लगभग लगभग सेम फुटिंग्स होती हैं। फर्क ये होता है कि आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन देखता है और आईपीएस पुलिस सर्विस देखता है, ठीक है ना। ये वही चीज है, छोले भटूरे और पनीर में से क्या पसंद है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाना चाहते हैं, उसी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की, आप आईपीएस लेंगे या फिर आईएएस लेंगे, जो भी मन हो आप ले सकते हैं। लेकिन टॉप 100 को आईएएस, उसके बाद फिर आईपीएस चुन सकते हैं यूपीएससी के थ्रू, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि मतलब जो भी आपको कैडर वहां पे ट्रेनिंग होती है आपकी, हालांकि आईएएस कि जो ट्रेनिंग होती है वो मसूरी में होती है, ठीक है, लपसन्ना में। तो ये चीज है। तो कंचन चौधरी भैया पढ़ने में शुरू से ही बहुत जबरदस्त थी, मदन मोहन चौधरी की बेटी थी। अब आईपीएस या यूपीएससी का सुरूर कैसे चला, दोस्तों दो इंसिडेंट है। एक इंसिडेंट तो ये बताता है कि एक बार क्या हुआ था कि इनके पिताजी का जमीन का विवाद था, ठीक है, जमीन के विवाद में इनके पिताजी के ऊपर हमला हुआ,
और उस हमले में इनके पिताजी निपट ही गए थे, मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट किल्ड। और जब इनकी पूरी फैमिली जाती है पुलिस स्टेशन में कि आप FIR लिखिए और कार्रवाई करिए, तो दोस्तों अब आपको पता ही है 1960s-70s का जमाना कैसा होता था, वहां पे क्या लोगों को मर्डर करके मार के फेंक दिया जाता था, पता भी नहीं चलता था, बहुत ऐसे मर्डर हुए। ठीक है, तो पुलिस ने मना कर दिया। तो वो जो इंसिडेंट था, वो कंचन बताती हैं कि वो मेरे दिमाग में छप गया और उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया कि मैं IPS के लिए जाऊं। फिर उन्होंने UPSC का एग्जाम दिया और IPS चुना। आपने बहुत सारी IPS के लिए बड़ी मूवीज भी बनी हुई है, अक्सर हम देखते हैं जब मूवीज में हीरोज की बात आती है तो उसमें IPS को ही दर्शाया जाता है। एक है ना वांटेड मूवी थी ना, IPS, नाम भूल गया मैं, सलमान खान का जो लास्ट में अंडर कवर एजेंट होता है, ठीक है ना, तो IPS को ही ऐसा हीरो जो है वो दर्शाते हैं। पुलिस की इमेज बहुत अच्छी करने की हमारे फिल्म्स द्वारा, बॉलीवुड द्वारा कोशिश की जाती है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर जो हीरो देखेंगे आप पुलिस में, इंस्पेक्टर को ही दिखाया जाता है। चलिए दोस्तों मैं आपको हायरार्की बता देता हूं। हाँ, ये बहुत बढ़िया मौका है। ठीक है, सबसे नीचे पुलिस वालों की रैंक्स क्या होती हैं, सबसे ऊपर क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे ऊपर सबसे नीचे आता है कांस्टेबल। ठीक है, सबसे नीचे कांस्टेबल होता है, उसके ऊपर आता है हेड कांस्टेबल, फिर आता है सब इंस्पेक्टर और फिर आता है इंस्पेक्टर। इसके बाद जो पोस्ट होती है वो हायर लेवल की हो जाती है। ठीक है, जब आप IPS बनते हैं, जैसे ही आप UPSC के थ्रू IPS बनेंगे, तो आपको इससे इंस्पेक्टर के ऊपर वाली पोस्ट मिलती है, जिसको हम बोलते हैं DSP या फिर ACP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है ना, ACP आपने सुना होगा बहुत सारी मूवीज में, DSP, ACP। ठीक है, DSP, ACP के बाद आता है जो आपको पोस्टिंग दी जाएगी, क्या पता ही होगा आपको, SP। ठीक है, DSP के बाद SP और ACP के बाद DCP, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। उसके बाद आता है DIGP, डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, फिर आता है IG, इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है ना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ADGP और फाइनली सबसे बड़ी पोस्ट पुलिस में, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है DGP। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। 30 साल की सर्विस के बाद ही आपको दिया जाता है, एक्सपीरियंस होते हैं ये। तो पुलिस की ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, ये 3-स्टार रैंक पोस्ट होती है। DGP हाईएस्ट अथॉरिटी पे होते हैं और उत्तराखंड की ही DGP बनी थी 2004 में, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो देश की पहली महिला DGP बनी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो एक स्टोरी हमने बताई कि किस तरीके से कंचन चौधरी भट्टाचार्य को IPS बनना था। एक और स्टोरी है, क्या है कि इन्होंने MA किया, BA किया, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इन्होंने MBA भी किया है। तो जो MA किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो भैया MA करके आई तो जॉब नहीं लग रही थी इनकी, तो इनके पिताजी ज्योतिषी के पास गए कि भैया जॉब कैसे, क्या मतलब बताओ कुछ हमको। तब इनके ज्योतिषी ने बताया कि जॉब क्या, ये तो बहुत ऊपर जाएगी। और वहां से फिर सिविल सर्विस की जो तैयारी है वो शुरू की और 1973 में ये एग्जाम निकाल लिया। और जैसे ही ये एग्जाम निकाला, इन्होंने तुरंत IPS चुना। इंडियन पुलिस सर्विस में इनका गोल्डन करियर जो है वो स्टार्ट हो गया। अब पहली IPS ऑफिसर थी किरण बेदी। किरण बेदी का मेरा पूरा आधे घंटे का सेशन है। वही किरण बेदी दोस्तों, क्या लेडी थी, क्या जबरदस्त लेडी थी। तिहार जेल को इन्होंने तिहार आश्रम बना डाला था, क्या जबरदस्त रिफॉर्म्स लेके आए थे। वैसे पुलिस रिफॉर्म्स आए नहीं, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। इंटरव्यू क्या मतलब, यहाँ पे एक चीज बता रही थी कंचन मैम कि पुलिस रिफॉर्म्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये कई बार रिकमेंड किया गया, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स आ नहीं पाए। हम अभी भी ब्रिटिश वाला सिस्टम जो है वो फॉलो कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पुलिस रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पुलिस की सैलरीज बहुत ज्यादा कम होती है। वैसे आपको बताना चाहता हूं कि जो IPS IAS बनते हैं उनकी शुरुआती सैलरी इन हैंड जो मिलती है वो लगभग 56,000 के करीब होती है। ठीक है, 55,000 to 56,000। ठीक है, IAS की भी और IPS की भी। IPS की थोड़ी सी कम होती है, लेकिन लगभग इतना ही पे स्केल होता है। बाकी जो एक्स्ट्रा पर्क्स है, जो मकान है वो सब आपको फ्री मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी वो सब कुछ फ्री मिलता है आपको। तो यहां पे हम देखते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आए हैं। कांस्टेबल हो गया या पुलिस इंस्पेक्टर हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए, इनकी सैलरीज बहुत ज्यादा कम है, इनको ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता है। यहां तक कि पुलिस फोर्सेस का तो ये तक कहना है, जो यहाँ के हेड्स हैं, कि भैया जो पेट्रोल का भी पैसा मिलता है ना, वो भी 15-14 दिन में खत्म हो जाता है।
तो पेट्रोल मांग के काम चलाना पड़ता है। एक बहुत ही बेहतरीन अभी सीरीज आई थी दोस्तों, पता नहीं आपने देखी होगी कि नहीं, दिल्ली क्राइम, निर्भया कांड जो हुआ था उस पे बेस्ड थी, उसमें पुलिस की प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। आप जरूर देखिएगा वो सीरीज, इट इज मस्ट, कि कैसे पुलिस काम करती है। तो दिखाया कि बिजली चली जाती है, बिजली का बिल नहीं भरा, तो बहुत दिक्कत है, रिफॉर्मेशन की जरूरत है। इसीलिए पुलिस की इतनी गलती नहीं होती, ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने हार्ड हो जाते हैं कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज है। हालांकि अभी भी भारत की पुलिस बहुत अच्छा कर रही है, कहीं कहीं जगह कुछ चीजें हैं जहां पे सुधार की जरूरत है, लेकिन हम पूरी पुलिस फोर्स को उस कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने जम के तैयारी की और उसके बाद इन्होंने एग्जाम निकाला, इनकी पोस्टिंग हुई। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में गई है, फिर बरेली में गई है, डेप्यूटी जनरल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बन के बरेली में गई है उत्तर प्रदेश में, फिर एडीजीपी, और 2004 में ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तब तक ये 30 साल की सर्विस कर चुकी थी, ठीक है ना, तो 30 साल की इनकी सर्विस पूरी हो चुकी थी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये बनी 2004 में। उस समय एनडी तिवारी जो थे वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे और उसी समय इनको डीजीपी बनाया गया और 4 साल तक ये रही उत्तराखंड की डीजीपी। फिर 2007 में ये रिटायर हुई। जैसा कि मैंने बताया कि आप कांस्टेबल से शुरू करते हैं, हालांकि एक चीज याद रखिएगा कि कांस्टेबल का प्रमोशन बहुत बाद में होता है। कांस्टेबल अगर डीजीपी, बहुत मुश्किल, तभी तो पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है ना। यहाँ पे आप डीजीपी, आपके 90% चांसेस तब रहते हैं जब आप आईपीएस बनते हैं, मतलब आप यूपीएससी के थ्रू आते हैं, प्रमोशंस होते हैं लेकिन वो बहुत, खैर छोड़िए। अच्छा, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि डिफरेंस बिटवीन आईपीएस एंड आईएएस, या फिर किस तरीके से आईपीएस और आईएएस होते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपको ऐसा वीडियो चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता मतलब इस तरीके के वीडियोस बना दूंगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुई और 2004 से लेकर 2007 में ये, मतलब 2004 से लेकर 2007 में ये रिटायर हो गई। जब ये रिटायर हुई फिर ये पॉलिटिक्स में भी आई, पॉलिटिक्स में इन्होंने हाथ आजमाने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की बट हार गई। अब दोस्तों ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जब भी इस तरीके के कोई कैंडिडेट आते हैं लोग जिताते क्यों नहीं है। आयरम शर्मिला का भी यही हाल हुआ, कंचन भट्टाचार्य के भी यही हाल हुआ, वो हार क्यों जाते हैं। ठीक है, जीतना चाहिए, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है वो हार जाते हैं। अब खैर इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया उन लोगों को दिखाता भी नहीं है कि ये लोग चुनाव, मुझे नहीं, आपको पता भी नहीं होगा कि कंचन भट्टाचार्य ने भी चुनाव लड़ा था, नहीं पता होगा। तो ये खैर, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनको काफी अवार्ड भी मिले, इनको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला, फिर राजीव गांधी अवार्ड भी मिला इन्होंने, जो इनको, जो इनका 3 दशक का जो करियर था, 33 साल का जो जबरदस्त इनका करियर रहा है। फिर इनकी बहन कविता चौधरी ने 30 एपिसोड का एक सीरियल, एक सीरीज इन्हीं के ऊपर, कंचन चौधरी के ऊपर डेडिकेटेड थी, उसका नाम था उड़ान, 1989 से लेकर 1991 तक, और इसमें इनके बहुत सारे पहलू को एक्सप्लोर किया गया, हालांकि अभी वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो 2 साल, मतलब ये जो पूरी सीरीज चली है, ठीक है, तो यहां पे कंचन भट्टाचार्य यानी कि अफसर बिटिया घर घर में फेमस हो गई थी, और क्या जबरदस्त सीरीज थी, बहुत ही बढ़िया। यहां पे हमने बहुत सारी चीजें, एक अलग ही साइड कंचन भट्टाचार्य की एक्सप्लोर की। वैसे आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो है ना, वर्दी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदमियों के लिए समझी जाती थी, क्योंकि इतनी रफ एंड टफ जॉब है और बहुत ये डिमांडिंग जॉब है, फील्ड जॉब है, तो इसमें मेंस का जो रोल है वही माना जाता था कि नहीं भैया ये तो आदमियों की ही जॉब है। जब किरण बेदी ने आईपीएस निकाला तो सब कुछ चेंज हो गया। फिर दूसरी कौन, कंचन भट्टाचार्य। कंचन भट्टाचार्य ने जब आईपीएस निकाला था, बताना चाहता हूं कि इकलौती ट्रेनी थी अपने बैच में, महिला ट्रेनी, फीमेल, बाकी सब के सब मेल थे। हालांकि अब तो ये जो चीज है वो पूरी तरीके से टूट गई है, अब तो हर साल काफी, यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी लड़कियां जो है वो निकालती हैं और बनती हैं आईपीएस ऑफिसर, लेकिन पहले ऐसा नहीं था और बड़े ताने झेलने पड़ते थे, बहुत टॉन्ट मारे जाते थे, सर्वाइव करना भी इतना आसान नहीं है, तो बड़े टॉन्ट मारे जाते थे, लेकिन बड़ी स्ट्रांग लेडी थी, इन्होंने काफी केस भी हैंडल किए। ठीक है, 7 टाइम बैडमिंटन चैंपियन सैयद मोदी, 1987 में उनकी हत्या हो गई थी, उनका केस इन्होंने हैंडल किया। फिर 1989 में रिलायंस और बॉम्बे डाइंग, ये बहुत टाइम से रिलायंस और बॉम्बे डाइंग के बीच में टसल चली आ रही है, उनका केस इन्होंने हैंडल किया। जब ये मलियाबाद, यूपी, लखनऊ से थोड़ा ही दूर है, ठीक है,
30 किलोमीटर, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूं तो 30 किलोमीटर दूर पे ही मलियाबाद है, मतलब सॉरी 30 किलोमीटर मतलब थोड़ा सा और दूर होगा, पास में ही है, वहां की जब ये एसपी थी तब 13 डाकुओं को पकड़ के अंदर कर दिया था। वैसे इनको पोएट्री ड्रामा का बहुत ज्यादा शौक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज्यादा बात करती हैं। इन्होंने जो इनका पूरा करियर रहा है, इन्होंने हमेशा लोगों के लिए काम किया है, लोग इनके सामने फरियाद लेकर आते थे, बच्चों के लिए जो चाइल्ड एजुकेशन होती है उन उसके लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, बड़ा ध्यान रखा है। और ये हमेशा बोलती हैं कि जितना ज्यादा हो सके हमको औरतों के लिए एक मतलब एक उनकी एजुकेशन सुनिश्चित करनी चाहिए, औरतों को तो बिल्कुल एजुकेट करना चाहिए, लड़कियों को बिल्कुल एजुकेट करना चाहिए, चूल्हा चौका से हटा के घर से हटा के प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए। और आप जब इनके वीडियोस भी देखेंगे, जब आम आदमी पार्टी के टिकट पे इन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा, लोकसभा इलेक्शन हार गई थी ये, क्योंकि अब आपको पता ही है मोदी वेव ऐसी फैली कि फिर कोई टिक ही नहीं पाया, तो आम आदमी पार्टी के टिकट से जब हरिद्वार कंस्टिट्यूएंसी से, हरिद्वार देवभूमि हरिद्वार क्या बात है हर की पौड़ी, वहां से जब चुनाव लड़ा तो इन्होंने बहुत सारे वीडियोस निकाले थे, ठीक है, आम आदमी पार्टी के लिए, तो काफी सोशल इश्यूज पे बात करती हैं। वैसे बता दूं कि यूनाइटेड ये ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी ये काम कर चुकी हैं और तब इनको पूरी दुनिया देखने का मौका मिला था, ठीक है, हालांकि वैसे भी ये सब जगह घूमी ही है, लेकिन तब इन्होंने बहुत ही करीबी से एक्सप्लोर किया कि पूरी दुनिया में औरतों का क्या हाल है। अफगानिस्तान काबुल में बताती हैं कि औरतों को कोई फ्रीडम ही नहीं है, वहां पे औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है बहुत ही ज्यादा, तो ये चीज हमको सही करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे नहीं चल सकता, औरतों को ज्यादा राइट्स और ज्यादा फ्रीडम देना ही होगा, तभी तो भैया पढ़ेंगी बेटियां, तभी तो बढ़ेंगी बेटियां, और भारत भी एक बेटी ही है, भारत माता बोला जाता है, याद रखिएगा इंडिया इज शी, तो इसीलिए बेटियों का सम्मान तो बहुत ज्यादा जरूरी है। 2007 में दोस्तों ये रिटायर हुई और उसके बाद फिर इन्होंने आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, जीती नहीं, फिर ये काम करती रही, सोशल सर्विस में रही, लेकिन बीते छह महीने से ये काफी बीमार पड़ गई थी और मुंबई में इनका मतलब जो इनका इलाज है वो चल रहा था, और 26 अगस्त को इनका देहांत हो गया, ठीक है, 26 अगस्त 2019, 72 साल की थी ये। जबरदस्त करियर रहा है दोस्तों और बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल लैमलाइट में आना चाहिए, और ये बहुत लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियां जो हैं वो बैक ऑफ कर जाती है, बैकआउट कर जाती हैं, लेकिन यहां पे कंचन भट्टाचार्य एक रोल मॉडल है सारी लड़कियों के लिए, तो भैया जरूर पढ़िए, पढ़ते रहिए। तो ये एक वीडियो था, ज्यादा इनके बारे में दोस्तों डेटा अवेलेबल नहीं है, जितना था मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, आमतौर पर मैं काफी ज्यादा रिसर्च करता हूं, ठीक है, तो ये मैं आपके सामने लेके आया, आई होप आपको पसंद आया होगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, स्टडी आईक्यू का प्रीमियम कंटेंट जरूर ज्वाइन करिए, थैंक यू सो मच।